कथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी विशेष वेब सीरीज भविष्य मालिका। तो भविष्य मालिका वेब सीरीज की भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान श्री कृष्ण के पंच सखा द्वारा लिखित भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि जब श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहरा रहा ध्वज फट कर गिर जाएगा, वह समय सारे संसार के लिए विनाशक होगा। यही वह समय होगा जब चीन के साथ भारत का भीषण युद्ध होगा। पुराण में लिखा है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहरा रहा ध्वज फटकर समुद्र के किनारे पड़ा मिलेगा। ऐसे संकेत पिछले कई दिनों से मिले भी हैं। एक बार ध्वज में आग लगते हुए भी देखा गया था, अर्थात जो भी भविष्य मालिका पुराण में लिखा है उसके लक्षण शनह शनह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध होगा तब चीन भी अपनी ओर से भारत से युद्ध लड़ना आरंभ कर देगा। इस महायुद्ध में तुर्की एवं ईरान मिलकर भारत पर संयुक्त रूप से आक्रमण करेंगे। भारत से युद्ध होने के लिए ये भी लिखा है कि जिस दिन कल की भगवान को मानने वाले 3000 भक्त एक स्थान पर एकत्रित हो जाएंगे, उसी दिन भारत चीन पाकिस्तान से युद्ध आरंभ होगा। इस युद्ध में जो भी इस्लामी देश जैसे तुर्की एवं ईरान हैं, वे पाकिस्तान की सहायता करेंगे। ये युद्ध कोई साधारण पारंपरिक युद्ध नहीं अपितु महाभारत के समान विशाल युद्ध होगा। कहा जा रहा है कि 2029 तक कलयुग की धर्म संस्थापना का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से 2030 में सतयुग का अस्तित्व भारत में आरंभ हो जाएगा। भविष्य मालिका पुराण में कल्कि भगवान द्वारा बनाए गए धर्म संस्थापना के नियम भी लिखे गए हैं। जो भी इस पुराण में लिखी बातों को जीवन में अपनाएगा उस पर कल्कि भगवान की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले भाग में हम आपको और भी भविष्य मालिका पुराण में जो बातें लिखी हैं उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल ये लक्षण है जब भारत चीन और पाकिस्तान से युद्ध होगा और भारत को इसमें भीषण युद्ध लड़ना होगा। यदि भविष्य मालिका पुराण के विषय में आप हमें कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप हमें विस्तार से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप akhandmanthan@gmail.com पर भी अपनी राय प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों अपना इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें भविष्य मालिका वेब सीरीज की अगले अंक।